नमस्कार, मैं हूँ अवधेश राय और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। आज रमजान ईद है, अक्षय तृतीया है और परशुराम जयंती भी है, जो कि पूरा भारतवर्ष इसे धूमधाम से मना रहा है। और आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नया नगर में मंडल ऑफिस के यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, जिसके अध्यक्ष अनु सिंह है। आइए बात करते हैं उनसे, क्या कहना है उनका। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन आपका उद्घाटन हुआ है? जैसा कि आप जानते हैं कि आज का शुभ दिन हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज के लिए भी एक शुभ दिन माना जाता है, और आज के दिन कई सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। मुस्लिम समाज आज के दिन ईद मनाता है, हिंदू समाज आज के दिन अक्षय तृतीया मनाता है, ब्राह्मण समाज आज के दिन परशुराम जी की जयंती मनाता है। तो आज के दिन मैं न्यायनगर मंडल में रहने वाले सभी भाइयों को सिर्फ और सिर्फ इसकी शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ हमारे देश में रहने वाले हर एक भाई को इसकी शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो रवि भैया जब जिला अध्यक्ष बने थे, कहीं ना कहीं उनका भी डगर काफ़ी कठिनाइयों से घिरा हुआ था, और उसी प्रकार आप यहाँ इस मंडल के अध्यक्ष हैं। और ये मीरा रोड नया नगर है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग पार्टियाँ, जो कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे उतना दबदबा नहीं है जितना कि अलग पार्टियों का है, तो आप किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मजबूती दिलाएंगे? जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर शहर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति रवि व्यास जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहा है। आज संगठन से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति सिर्फ यही चाहता है कि जो हम सभी के नेता रवि व्यास जी ने जो नारा दिया है 80 पार, वो हमें इस बार किसी भी कीमत पर पूरा करना है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि नयानगर मंडल में रहने वाले जो लोग हैं, उनके दिल में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आदर सम्मान बना हुआ है। सबसे पहली बात कि न्यायनगर मंडल में जो हिंदू क्षेत्र है, हिंदुओं की जो आबादी है, उसका एक बहुत बड़ा वर्ग आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मुस्लिम समाज की बात अगर मैं कहूँ तो मुस्लिम समाज के अंदर आज हमारे महामंत्री नासिर कुंजू जी, न्यायनगर मंडल में राजा रिजवी जी, इसके बाद रहमान शेख जी, ये सभी लोग न्यायनगर मंडल में जुड़े हुए हैं, और इन सभी लोगों ने न्यायनगर मंडल को मजबूत करने के पूरी तरह से कोशिश की है। तो मैं यही आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज भी आज हमारे साथ खड़ा है, और हम सभी लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। बस कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए हम में आपस में विग्रह हम सभी लोगों को भटकाने का काम करते हैं। जबकि आज न्यायनगर मंडल की बात करूँ तो न्यायनगर मंडल में 2 वार्ड आते हैं, 22 नंबर वार्ड और 9 नंबर वार्ड आते हैं। अगर आप उठा के देखेंगे तो ऐसे बहुत से काम हैं जिसके आश्वासन तो दिए गए लेकिन काम नहीं किए गए, जबकि उसी के अगेंस्ट अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी आश्वासन दिया तो उस आश्वासन को पूरा किया, चाहे वो महिलाओं को गैस की सुविधा देने की बात रही हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को घर देने की बात रही हो। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी हिंदू और मुस्लिम के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया। प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या कभी इसमें हुआ ऐसा कि हिंदुओं को उसका लाभ मिला और मुसलमानों को उसका लाभ नहीं मिला? ऐसा कभी नहीं हुआ। जिन भी महिलाओं को रसोई गैस बांटे गए, क्या उनमें कभी हिंदू और मुस्लिम भेदभाव किया गया? नहीं किया गया। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो हम में फूट डालने का काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, और न्यायनगर मंडल में रहने वाले सभी भाइयों को, चाहे वो हिंदू समाज के भाई हो चाहे वो मुस्लिम समाज के भाई हो, सभी भाइयों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सच को जानिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, और पूरे दुनिया के सारे देशों ने उनके किए गए कार्यों का लोहा माना है। तो मैं आप सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप भी उनके नेतृत्व को स्वीकारिए और देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दीजिए। इस बार के चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति इस नारे को पूरा करने के लिए जी जान एक कर देगा, ना उसको दिन दिखेगा ना उसको रात दिखेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ 80 पार का नारा दिखेगा। ये थे अनु सिंह, जो कि मंडल के अध्यक्ष हैं, और यहाँ पे प्रमुख उपस्थिति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास, युवा जिला अध्यक्ष दरोगा पांडे, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रीना मेहता व कई नगर सेवक व सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता आए हुए थे। आइए बात करते हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि व्यास का क्या कहना है और रीना मेहता का क्या कहना है। बड़ा ही शुभ दिन है, अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त के अंदर आज हमारे नया नगर मंडल के अंदर, जहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई बहन बड़ी संख्या में रहते हैं, और आज रमज़ान महीने की आज ईद का दिन है, तो अपने आप के अंदर इस शुभ दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्यालय का उद्घाटन हुआ है।
मैं पूरे जिला की ओर से हमारे मंडल के अध्यक्ष अनुज सिंह जी, हमारी मंडल की अध्यक्षा नीतू पूर्वे जी, हमारे मंडल के महामंत्री नासिर कुंजू जी और समस्त मंडल के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को दिल से शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय के अंदर इस नया नगर मंडल के कार्यालय से यहां के समस्त जनता की समस्याओं का समाधान होगा, संगठन को गति मिलेगी और अपने आप के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है अब की बात 80 पार, उसके अंदर नया नगर मंडल से भी जो हमारी सीटें हैं वो महानगर पालिका के अंदर चुन के आएगी। नया नगर मंडल का अगर आप पिछली बार का चुनाव का अगर नतीजा देखेंगे तो काफ़ी कम वोटों से हमारी इस नया नगर मंडल के अंदर जो सीट थी वो हम लोग हारे थे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के अंदर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहे वो मुस्लिम समाज हो या अन्य समाज हो, सभी को साथ में लें, कॉन्क्रीट रोड के काम हो, जितने महानगर पालिका के विकास कार्य की बात हो, तो नया नगर का जो परिसर है उसे भारतीय जनता पार्टी ने न्याय देने का पूरा प्रयास किया है और अब नया नगर के अंदर भी जो जनता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से परेशान हो चुकी है और वो विकल्प चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो सेवा और राष्ट्र हित में काम करता है, तो अपने आप के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर अच्छे नतीजे नया नगर मंडल से भी दिखेंगे। नया नगर के भी मुस्लिम भाइयों को हम पूरा विश्वास दिलाएंगे कि अगर उनके बच्चों का भविष्य बनाना है, इस नया नगर को विकसित करना है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ही एक विकल्प है। जी बिल्कुल, आज के इस सुवर्ण अवसर पर अक्षय तृतीया मीन्स 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त है, परशुराम जयंती है और ईद भी है, तो आज के दिन मैं सभी नया नगर के जो कार्यकर्ता है, बंधु है, सभी को मैं शुभेच्छा देता हूँ। खासकर अनु सिंह जी को जिन्होंने ये कार्यालय का उद्घाटन किया हुआ है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालय मंदिर जैसा है। आगे चलकर ये कार्यालय का उपयोग सभी नागरिकों के समस्याओं का निवारण करने के लिए हो पाए और ये कार्यालय निरंतर चलता रहे, मीन्स आज उद्घाटन हो गया तो कभी भी वो बंद न हो पाए, जो समय निश्चित करेंगे उस समय को ये कार्यालय खुलना चाहिए और नागरिकों की और कार्यकर्ताओं के माध्यम से संगठन का भी विस्तार होना चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूँ और अनुज सिंह जी को और उनके पूरे टीम को शुभेच्छा देता हूँ। पहले तो देखिए, आज जो यहाँ पे नया नगर मंडल का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, उसके लिए मैं सबसे पहले अनुज सिंह जी और हमारे मंडल अध्यक्ष नीतू पूर्वे जी को शुभकामनाएं देती हूँ, उनकी पूरी कमेटी मेंबर्स जो भी पदाधिकारी है उनको शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज एक हमारा ऐसे आप कहें तो अक्षय तृतीया भी है, परशुराम जयंती भी है और ईद भी है, तो ईद के लिए भी सभी मुस्लिम बंधु भाई और बहनों को भी शुभेच्छा देती हूँ और परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के भी सबको यहाँ पर सभी हमारे भाई और बहनों को शुभेच्छा देती हूँ। और आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज के दिन पे नया नगर कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, मंडल कार्यालय का। और जहाँ तक महिलाओं का सवाल है तो मैं आज आपसे ये कहना चाहूँगी कि जगह जगह पे हमारे मंडल के दौरे चालू है और बहुत जल्द महिलाओं के लिए एक, जैसे ही हमने कहा है कि एक कैंप लगाया जाएगा, एक शिविर लगाई जाएगी, जिसमें इसके पहले भी मैंने जब मीटिंग ली तब महिलाओं के जो भी प्रश्न थे वो हमने सॉल्व किए और उनको गाइडेंस भी दिया है और आगे आने वाले समय में भी जो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को किस तरह से पार्टी संगठन में काम करना है उसके लिए भी बहुत जल्द एक शिविर का आयोजन हम करने जा रहे हैं। और इस तरह से मैं चाहती हूँ कि नया नगर में, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि आने वाले चुनाव में नया नगर से हमारे नगर सेवक चुनकर आएंगे, क्योंकि आज यहाँ जो भी मुस्लिम भाई बंधु है वो भी आज मोदी जी के कार्यों से प्रभावित है और वो भी मोदी जी को समर्थन देते हैं। और अब मीरा भाईंदर में जैसे हम ये कह सकते हैं कि परिवर्तन होना शुरू हुआ है, तो आने वाले चुनाव में हमारे अध्यक्ष जी का जो नारा है 80 पार, वो उनकी नेतृत्व में और हमारे सभी वरिष्ठों के नेतृत्व में ये नारे को हम सब महिलाएँ मिलकर, कार्यकर्ताओं को मिलकर इसके जरूर पूरा करेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मजबूत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी उतनी ही मजबूत है जितने की बाकी पार्टी थे और उनसे ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की टीम कितनी ज़्यादा है, जबकि आज आप जानते हैं अक्षय तृतीया एक पर्व का दिन है, ईद है, फिर भी हमारे साथ इतनी सारी महिलाएं खड़ी है
तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा और संगठन को मजबूत करेंगे, यही हम लेडीज आगे आपको बोल सकते हैं। देखिए कठिन है ये तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन कैसा है ना, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, कोई चीज़ आसानी से तो होती नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस कठिन रास्ते को अगर मैंने चुना है तो मैं इस पर जीत भी पाऊँगी, पार भी करूँगी और लेडीज़ भी जोड़ूंगी और नगर सेविका भी यहाँ से बन के आएगी। आज अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती जन्म उत्सव के शुभ अवसर पे आप यहाँ सभी उपस्थित सभी महिलाओं को, सभी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हमारे अध्यक्ष श्री एडवोकेट रवि व्यास जी ने जिस तरीके से कहा अब की बार 80 पार, वो नारा बिल्कुल पूरा होगा, क्योंकि इस वक्त संगठन इतना मजबूती के साथ हमारे अध्यक्ष जी ने शुरुआत की है। मैं ये कहना चाहूँगी कि बूंद बूंद से सागर भरता है और कोशिश तो करते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा कहते हो कि यहाँ पर नहीं है तो कोशिश बहुत इम्पॉर्टेंट है और भारतीय जनता पार्टी ने यही कोशिश सदियों से दिखाई है। जब 2 सीट से शुरू किया था तो वही दाखिला हमारे सामने है और नीतू जी बहुत सक्षम है महिला मंडल अध्यक्ष के तौर पर, तो वे वो पूरा करेंगे ऐसी आशा। शुभ अवसर है अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और रमजान ईद, सबकी शुभकामना। और आज इस शुभ अवसर पर नया नगर में मंडल में नया नगर मंडल के कार्यालय का जिसके अध्यक्ष अनुज सिंह हैं और महिला अध्यक्ष नीतू पूर्वे जी हैं अपने कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, उनको मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी का मंडल कार्यालय ओपनिंग हो रही है और अनुज सिंह जी उसके अध्यक्ष हैं, तो शुभकामना बधाई देता हूँ। और नया नगर कोई अलग से नगर नहीं है, अपने मीरा भाईंदर में ही है, हिंदुस्तान में ही है। तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी है सब लोग आज उससे जुड़ रहे हैं, लोग उससे जुड़ने के लिए लालायित हैं। तो मैं अनुज सिंह जी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जी का दिन है पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है, शुभ अवसर पर हमारे मंडल अध्यक्ष अनुज सिंह जी, महिला की मंडल अध्यक्ष नीतू सिंह पूर्वे जी, आज इन्होंने कार्यक्रम, इनकी पूरी टीम ने यहाँ पे कार्यक्रम करके ऑफिस का उद्घाटन किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता इन 7-8 महीने में बढ़ी है, उससे लोग जुड़ते जा रहे हैं और हम ये तूफान देख रहे हैं, एक रेला देख रहे हैं, ऐसा हमने कितने सालों में कभी भी नहीं देखा। ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता है, मोदी का योगी का काम है, जो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मीरा भाईंदर में भी कर रहे हैं। और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं रवि व्यास जी, जो उन्होंने 80 पार का जो उन्होंने नारा दिया है, और वो मैं 100% बोलता हूँ, वो 100% होने वाला है। नया नगर में भी हमारी इस बार सत्ता हमारी आएगी, हमारे नगर सेवक चुन के आएंगे। वंदे मातरम।